नमस्ते दोस्तों, आप सबको फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जी जीपीएस और एजीपीएस दोनों क्या चीज़ है, वो काम कैसे करते हैं और आपको वो कितना मदद कर सकते हैं, ये मैं आज आप लोगों को पूरी डिटेल देने वाला हूँ। तो इसके लिए स्टे ट्यून कीजिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए इस वाले बटन को दबा के। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जीपीएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो है ये सबसे पहले मतलब मेन जो है इसका यूएसए ने इसका इन्वेंट किया था, यूएस एयरफोर्स ने, और उनका ही ये सिस्टम था। पहले ये ग्लोबली मतलब आम लोगों के लिए ये अवेलेबल नहीं था, अभी अवेलेबल है। इससे हमें मदद मिलती है हमारा पोजीशन जानने में, कोई भी मैप में कहाँ पे हम हैं दुनिया में वो जानने के लिए हमें इससे काफ़ी मदद मिलती है। तो सबसे पहले जो यूएस आर्मी था वो उन्होंने इसको ईजाद किया था 1970s से 1980s के बीच में उन्होंने इसको ईजाद किया था, और वो सिर्फ मिलिट्री यूज़ के लिए ही था तब। लेकिन एक बार क्या हुआ 1980s के बीच उनके मतलब नेटवर्क में एक नॉर्मल आदमी कोई भी एक सिविलियन घुस गया था और उसको पता नहीं क्यों उसको मार गिराया गया था, क्योंकि वो उस नेटवर्क में आ गया था और रशिया ने या फिर किसी भी एक दूसरे एम को लगा था कि ये टेरर है और वो उसको उसने मार दिया था। इसीलिए यूएस आर्मी ने फिर डिसाइड किया, यूएस ने डिसाइड किया कि इसको ग्लोबली पूरे सबके लिए अवेलेबल कर दिया जाएगा। और वो अवेलेबल सबसे पहले हुआ था 1995 में ये अवेलेबल हुआ था, लेकिन तब ये उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं था, क्यों तब ये सिर्फ एक अंदाज़ा लगाने का ही काम करता था। हम उतना एक्यूरेटली जितना आज कर पाते उतना एक्यूरेट ये बिल्कुल भी नहीं था। और फिर इम्प्रूवमेंट्स होते रहे, रिसर्च होते रहे, और फिर 2000 में इसको पूरी तरह से ग्लोबली आम लोगों के लिए इसको अवेलेबल कर दिया गया। और फिर तब से ये ज़्यादा और भी टेक्नोलॉजी अच्छी होने लगी, ये और भी एक्यूरेट होने लगा। फिर 2005 में इसने और भी ऐसे यूएस मिलिट्री ने ऐसे और भी सैटेलाइट छोड़े जीपीएस सैटेलाइट, जिससे ये और भी ज़्यादा एक्यूरेट हो गया। तो अभी ये जो जीपीएस है ये काफ़ी एक्यूरेट है, ये आपको हर एक पोजीशन आपको दिखा सकता है। अगर आपके फ़ोन में जीपीएस ट्रांसमीटर नहीं रिसीवर जीपीएस रिसीवर है आपके फ़ोन में ट्रांसमीटर नहीं होता तो आपका फ़ोन उस जीपीएस को आसानी से पकड़ के आपका लोकेशन बता सकता है। सिर्फ आपका स्मार्टफोन ही नहीं, आपका टैबलेट या फिर जीपीएस डिवाइस जो आपके कार में लगा होता है वो भी इसको पकड़ के वो काम करता है। अब ये काम कैसे करता है, सबसे पहले जो आपका जीपीएस रिसीवर है आपके फ़ोन में या फिर जीपीएस डिवाइस में या टैबलेट में किसी में भी जिसमें आप जीपीएस यूज़ कर रहे हैं, तो उसको सबसे कम से कम 3 जीपीएस सैटेलाइट से कनेक्ट होना ही पड़ेगा। अगर वो 3 जीपीएस सैटेलाइट से कम किसी से कनेक्ट होता है तो वो काम नहीं करेगा। एक बार वो 3 जीपीएस टावर से कनेक्ट हो गया तो वो आपका एग्जैक्ट लोकेशन बता दे सकता है अभी जीपीएस। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा जो गूगल मैप्स में या फिर किसी भी जीपीएस मैप जहाँ पर आप जीपीएस यूज़ करते हैं तो आपका एक एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन दिखा देता है। और अगर ये 4 ये से कनेक्ट हो गया 4 सैटेलाइट से जीपीएस सैटेलाइट तो ये आप समुद्र के तट से या फिर सी लेवल से कितना ऊपर है एल्टीट्यूड ऑल्टीट्यूड दोनों भी बता दे सकता है बहुत ही आसानी से अगर 4 सैटेलाइट से ये कनेक्ट हो जाता है। अब जो ये काम कैसे करता है मैंने मेन जो अभी तक नहीं बताया है, ये जो आपका सिस्टम है पूरा इसका, इसमें जितने भी सैटेलाइट्स हैं उन सब सैटेलाइट्स में एक एटॉमिक क्लॉक लगा होता है। एटॉमिक क्लॉक क्या है, एटॉमिक क्लॉक नॉर्मल क्लॉक से बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है और वो करोड़ों साल तक उसका टाइम इधर से उधर नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतना एक्यूरेट और इतना स्पेसिफिक होता है इसलिए उसका कुछ नहीं हो सकता, वो एक सेकेंड भी इधर से उधर नहीं होगा, करोड़ों साल बीत जाएंगे तो भी कुछ नहीं हो जाएगा। ये एक क्लॉक लगा होता है और इन क्लॉक्स का जो टाइम होता है वो वहाँ पर वो लोग उसको वे करते मतलब रिकॉर्ड करते हैं और उसका एक फाइल बन जाता है, और उस फाइल को हमारे जो रिसीवर है हमारे फ़ोन या फिर जीपीएस डिवाइस में उसमें भेजा जाता है।
उसका जो स्पीड होता है साइज वो बहुत ही कम है, 50 बीट्स पर मिनट का साइज होता है, स्पीड होता है। और इसके वो जो वहाँ पर जो रिकॉर्ड, मतलब जब वो टाइम फाइल क्रिएट हुआ था तब उस टाइम को भी उसमें रिकॉर्ड किया जाता है, और जो टाइम पे वो आपके फ़ोन में या फिर जीपीएस डिवाइस में वो रिसीव हुआ वहाँ वो टाइम भी वो उसमें रिकॉर्ड होता है। और रिकॉर्ड होने के बाद उसमें वो जो आपका सेलफोन है या फिर जो भी जीपीएस डिवाइस है वो उसको प्लस माइनस करके आपका दूरी उस सैटेलाइट से वो माप लेता है, और उसकी मदद से वो आपके पोजीशन को वो आसानी से पकड़ लेता है। ये ऐसे काम करता है। और आप अब जो है जो आपका बैटरी है, जब आप जीपीएस नेविगेशन यूज़ करते हैं, जब आप कार में होते हैं या फिर कहीं पे जहाँ पर जीपीएस नेविगेशन आप मतलब लोकेशन दिखा रहे हैं, आपका रोड तो दिखाता ही है कहाँ से जाना है, उसके अलावा भी आपको वहाँ पर दिखाता है आपका आपका कार का लोकेशन भी वो आपको दिखा देता है। तो वो कार का लोकेशन आप देखते हैं जब आप आगे बढ़ रहे हैं कार के साथ, तो वो भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता रहता है, तो वो उसको आपका फ़ोन उसको जल्दी जल्दी रिफ्रेश करता रहता है और इसकी वजह से आपका जो फ़ोन का जो बैटरी है वो बहुत तेज़ी से वो कंज्यूम करता है। इसीलिए जब भी आप लोगों ने कभी जीपीएस यूज़ किया होगा, जीपीएस नेविगेशन, आप लोगों ने देखा होगा आपका जो बैटरी है जीपीएस यूज़ करते समय वो बहुत जल्दी जल्दी ड्रेन हो जाता है। तो इसका एक रीज़न है आपका जीपीएस बैटरी ज़्यादा यूज़ होने का। तो ये भी एक वजह है जब हम जीपीएस थोड़ा कम यूज़ करते हैं, लेकिन यूज़ अभी हर कोई करता है। अब जो है जो एजीपीएस क्या है, एजीपीएस मतलब असिस्टेंट जीपीएस क्या करता है, आपका थोड़ा बहुत डेटा कंज्यूम करके आपको बता देता है आपका लोकेशन क्या है, क्योंकि वो जो आपके जो मोबाइल नेटवर्क टावर्स होते हैं सैटेलाइट मोबाइल नेटवर्क सैटेलाइट सॉरी उनसे जाके वो कनेक्ट करता है, उनसे उसका डिस्टेंस माप लेता है। तो अगर आप अपने जीपीएस कोई भी सैटेलाइट को नहीं पकड़ पाते तो ये एजीपीएस वहाँ पर आपके मोबाइल सैटेलाइट को भी पकड़ के आपको आपका लोकेशन दे सकता है। एक और एक सिस्टम है जो जीपीएस की तरह ही काम करता है, ग्लोनास नाम का एक रशियन टेक्नोलॉजी है। ये ज़्यादा यूज़ में नहीं आता, लेकिन आप बहुत ही कम फ़ोन आपको दिखेगा जिसमें आपको ग्लोनास टेक्नोलॉजी सपोर्ट मिलता है। अगर आपके फ़ोन में ये है तो आपको अगर जीपीएस आपका काम नहीं कर रहा है, जीपीएस के नेटवर्क के अब अंदर नहीं है, तो आपको ग्लोनास भी मिल सकता है। ये अभी बहुत कम फ़ोन में है, लेकिन शायद ये बाद में और भी फोन्स में आ जाए। यूरोपियन यूनियन भी एक टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, ऐसे जो यूएस एक और टेक्नोलॉजी जो यूरोपियन यूनियन भी उस पर काम कर रही है, वो भी जीपीएस जो यूएस टेक्नोलॉजी उसके साथ मिलके काम करेगा, ये भी एक आ रहा है। तो इसके लिए भी हमें काफ़ी इसका टेक्नोलॉजी इसके साथ भी ये हाई पावर हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को बता दिया जी जीपीएस काम कैसे करता है और वो होता क्या है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चाहे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वाले बटन को दबा के। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। गुड बाय।